ये हमारा ये पाँचवा साल है सहरी प्रोजेक्ट। हम हर रमज़ान मुबारक में इसको लेकर चलते हैं। 550 देगें हमारी ज़िला भर के अंदर बनती हैं, और इसी तरह हमारे पास जो वॉलंटियर्स जो खाना तकसीम करने वाले हैं वो तकरीबन 2000 नौजवान हैं। इसके पीछे जो सोच कार फरमा है वो ये है कि हम नहीं चाहते कि लोग हमारे पास आए लाइनों में लगें, और जब वो लाइनों में आएँ और हम उनको फिर बिठा के खाना जो है वो तकसीम करें और वो कैमरे की आंख उनको फिर जो है वो कैप्चर करें। तो हमारा जो बुनियादी मकसद ये था कि हम लोगों की इज्जत नफ्स को भी मजरूर ना होने दें और फिर हम जो है वो खाना भी उन तक पहुँचाएँ। तो इसीलिए हमने ये तय किया और हमने फिर देहातों और मोहल्लों के सर्वे किए, और उन सर्वेज की बुनियाद के ऊपर हमारी टीमों ने उन घरों को मार किया और फिर उन घरों में पैक करके अलहमदिल्ला खाना उन घरों तक पहुँचाया जाता है। ऐसा नहीं होता कि लोग आते हैं और फिर जो है वो लाइनों में लग जाते हैं। इस चीज़ के पेश नज़र के अफ्तारी तो लोग करवाते हैं, लेकिन सहरी के हवाले से वो ट्रेंड नहीं था। तो हम उस ट्रेंड को सेट कर रहे हैं और हम उसके अंदर कामयाब जा रहे हैं कि लोग हमारी तरफ देख के और इस मैदान के अंदर आ रहे हैं और ये काम कर रहे हैं। ज़िला गुजरांवाला में हमारे 19 किचन हैं जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये खाना जो है वो बन रहा है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि 1,00,000 लोगों तक हम पहुँचे और उन तक जो है वो खाना पहुँचाएँ। और इसी तरह हमारे पास जो वॉलंटियर्स जो खाना तकसीम करने वाले हैं वो तकरीबन 2000 नौजवान हैं। देखें अभी तकरीबन 1 बजे का टाइम हुआ है, तो हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो 2 बजे यहाँ से खाना वसूल कर लेते हैं, और इस तरह जो बाकी किचन हैं वहाँ से भी खाना वसूल कर लेते हैं, और फिर तकरीबन 50 से 55 1 घंटे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वो जो नौजवान हैं वो घरों तक खाना पहुंचा देते हैं पैक करके। रोज़ाना की मिलाद के ऊपर हम इसका जो मेन्यू है वो तब्दील करते हैं और बेहतर कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर हम ये जो है वो खाना तैयार करें। तो तकरीबन हमारे पास अगर मैं सफ़ेद चने उनकी बात करूं तो 2000 किलोग्राम इतना या इससे ज़्यादा हम जो है वो पकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन 2000 की तो हम लाजमी कोशिश करते हैं कि ये बने और इस पे तकसीम। फाकों की सूरत हाल हमारे यहाँ मौजूद है, तो एक तो ये चीज़ जहन में थी, और दूसरी जो हमारे जहन में चीज़ जिसने हमें इस चीज़ के ऊपर तैयार किया मोटिवेट किया वो ये थी कि हम देखते हैं कि माशरा तो मुसलमानों का है, लेकिन हम ये देखते हैं कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो रोज़ा रखने वाले हैं। तो हमने ये सोचा कि हम दोनों काम करें, लोगों को खाना भी खिलाएं और साथ हम इस बात की दावत भी दें कि कोई बंदा ऐसा नहीं होना चाहिए जो रोज़े के बगैर हो। हमारे पास ऐसे बेशुमार ख़ानदान हैं जो ईसाई मज़हब के साथ उनका ताल्लुक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो आते हैं और हम उनको खाना दे रहे हैं, वो खाना ले कर जाते हैं। यहाँ मुख्तलिफ़ शहरों से लोग आए हुए हैं, यहाँ पर वो जॉब करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमसे रब्ता करता है उन तक हम खाना पहुँचाते हैं। और कोई भी जिसको जो समझता है कि मेरे लिए इस वक्त खाना बनाना मुश्किल है, रोज़ा रखने में मेरे लिए कोई प्रॉब्लम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको खाना पहुँचाते हैं। हमारा नंबर मौजूद है, उस पर हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम उन तक ये सहरी का खाना पहुँचाएँ। हम ये जो प्रोजेक्ट लेकर चल रहे हैं ये हमारा गुजरांवाला वेलफेयर काउंसिल के नाम से हम इस प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे हैं।